सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। दोस्तों आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर कई सारे रील देखा होगा जो लोग कि बताते हैं दोस्तों अपना 4G फोन को आप 5G में कन्वर्ट कर लो और 5G आराम से अपना 4G फोन में चला लो। इस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग बताते हैं दोस्तों इसका रियलिटी कितना है, दोस्तों आप 4G फोन में 5G चला सकते हो या फिर नहीं, सारा चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 4G फोन में 5G चला सकते हो या फिर नहीं, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ गाइस, मेरा जो नेटवर्क अभी आ रहा है वो 4G नेटवर्क अभी आ रहा है, आपको देखने के लिए मिलेगा स्क्रीन पर। सो इसको अभी कैसे मैं दोस्तों यहाँ पे 4G से 5G में कन्वर्ट करूंगा आपको ध्यान से देखना है, मिस नहीं करना है। तो पहले दोस्तों यहाँ पे चले मैं मोबाइल का सेटिंग पर चले जाऊंगा। मोबाइल का सेटिंग पर चले आने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मैं सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर चले जाऊंगा, आपको भी चले आना है। जो भी आपका सिम है दोस्तों आपको उसको चूज कर लेना है। तो चलिए मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद ये सारा सेटिंग आपको मिल जाता है। तो आपको पहले यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना है। देन इसमें जो ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है वो यहाँ पे APN सेटिंग होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एक न्यू APN क्रिएट करना है अपना मोबाइल पर। तो पहले आपको न्यू APN पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपको ये सारा सेटिंग होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। तो पहले दोस्तों यहाँ पे नेम पर मैं क्या करूँगा, इसमें लिखता हूँ मैं 5G प्लस, यू कैन सी 5G प्लस मैं लिख लूँगा। देन यहाँ पे ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं APN पर क्लिक करूँगा। APN पर क्लिक करके जियो नेट लिख लूँगा, आपको भी ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको यूज़र नेम पर दोस्तों, इसमें आपको लिखना है जियो प्लस 5G, ऐसे आपको लिखना है। अगर आपका एयरटेल है तो दोस्तों एयरटेल प्लस 5G लिखना है। देन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सर्वर पर दोस्तों, आपको इसमें क्लिक करके इसमें आपको लिखना है www.google.com, आपको लिख लेना है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। देन यहाँ पे ओके करना है आपको। इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, आपको ये जो सेटिंग होता है आपको मिस नहीं करना है। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको छिड़कानी नहीं करना होगा। देन इसमें एक ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन टाइप पर, इसमें क्लिक करके आपको PAP जो पैप है इसमें आपको टिक लगा देना है। टिक लगा के आपको नीचे चले आके एक बैरियर का ऑप्शन मिलेगा, आपको बैरियर पर क्लिक करना है। देन इसमें ये ऑन स्पेसिफाइड होगा, इसमें ऑन टिक करके ये सारा जो ऑप्शन है दोस्तों आपको टिक लगा देना है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, आपको वैसे टिक लगा देना है। टिक लगा के आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये जो सारा सेटिंग होने के बाद दोस्तों कम्प्लीटली, देन आपको यहाँ पे एक बार रीचेक कर लेना है। रीचेक करने के बाद यहाँ से आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा या फिर 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो इसमें क्लिक करके आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने का जो APN होता है दोस्तों भी अपना मोबाइल पर ये सेट हो जाएगा, यानी कि क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद इसको एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों इसमें आपको इसमें क्लिक कर लेना है, जो आप न्यू APN क्रिएट किए थे दोस्तों इसमें आपको क्लिक कर लेना है। यू कैन सी गाइस जो मेरा नेटवर्क होता है वो 5G में अभी कन्वर्ट हो चुका है, 4G से 5G कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से बहुत सारे लोग बताते हैं दोस्तों, उसका रियलिटी आपको नहीं बताते कि ये कैसे किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मेरा 5G फोन है दोस्तों, इसको मैंने कैसे इसको चेंज किया 4G से 5G में आपको दिखा देता हूं। पहले बैक चले आऊंगा मैं। आने के बाद यहां पे प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करूंगा, तो इसमें प्रीफर 5G और प्रीफर LTE के एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको 4G फोन में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, 5G में ही मिलता है। तो आपको यहां पे देख, तो इसमें मैं प्रीफर 5G पर क्लिक करने के बाद ये 5G पर ये कन्वर्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं जिसके पास यहाँ पे फोन नहीं होता है दोस्तों 5G फोन, और वो लोग वीडियो बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो APN को चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो 4G नेटवर्क ही दिखाता है, तो APN को चेंज करने के बाद जो आपका स्पीड होता है, इंटरनेट स्पीड होता है, वो यहाँ पे 5G की तरह चलेगा, इस तरीके का यहाँ पे आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों जो APN आपको यहाँ पे सेट किए हैं उसमें कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा इंटरनेट स्पीड में, आपको बता देता हूँ पहले ही, इसमें आपको कोई भी फर्क दिखेगा नहीं है दोस्तों। आपका 4G फोन है तो आपको 4G के स्पीड में ही आपका इंटरनेट चलेगा। अगर आपका 5G फोन है तो दोस्तों आपको 5G फोन का जो स्पीड है उसमें इस तरीके से आपको चलेगा। उसमें आप यहाँ पे APN को चेंज करने के बाद आपका जो इंटरनेट स्पीड होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। जो लोग भी बताते हैं दोस्तों व्यूज के चक्कर में बताते हैं, आप यहाँ पे 4G फोन को आप 5G में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। 4G फोन में आप 5G का स्पीड नहीं चला सकते हैं इंटरनेट। तो आपको यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों उन वीडियो को। अगर आपको 5G चलाना है तो दोस्तों आपको एक न्यू फोन परचेस करना पड़ेगा, 5G फोन होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अपना 5G को चला सकते हैं। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ हो सकता है, जैसे कि आपका जो सिम होता है वो 4G सिम है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों 5G में कर सकते हैं। अगर आपका 4G सिम है तो उसको 5G कर सकते हैं कन्वर्ट। अगर आपका 4G फोन है तो दोस्तों उसको 5G फोन नहीं कर सकते हैं और आपका 5G यहाँ पे नहीं चलेगा। गाइज आपने देख लिया कि अपना 4G फोन को अगर 5G में कन्वर्ट करने जाओगे तो उसमें हो पाएगा या फिर नहीं, मैं आपको बता दिया हूँ पूरी डिटेल पर। ऐसे ही और असम वीडियो देखने के लिए डायनामिक टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट असम वीडियो के साथ, तब तक अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून। जय हिंद।